सोल्यूशन, सोल्यूशन ये क्या है? सॉल्वेंट। अब बताओ इसमें सॉल्यूट किस में ज्यादा है, विलय किस में ज्यादा है? विलय किस में ज्यादा है? विलय को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ये इसमें क्या है? ज्यादा। और ये इसमें क्या है? कम। जिसमें विलय ज्यादा होगा उसका ओपी का मान क्या होगा? ज्यादा। और इसका ओपी क्या होगा? कम। और अगर शुद्ध जल रहेगा जिसमें कोई विलय नहीं हो, अगर ये रहता सॉल्वेंट और कैसा रहता बताइए? ये प्योर वाटर, बिल्कुल प्योर। बिल्कुल प्योर का मतलब इसमें क्या नहीं है? नो सॉल्यूट, यानी कोई भी इसमें क्या नहीं है? विलय नहीं है। सोचो विलय नहीं होगा तो ओपी का मान कितना होगा? जीरो। क्योंकि विलय होगा तभी क्या होगा? ओपी होंगे। अब बताइए इन दोनों में, मैंने बोला इसका सॉल्यूशन, इसका ओपी क्या है? ज्यादा। इसका ओपी क्या है? कम। अब बताओ पानी का मान बताइए। पानी किसमें ज्यादा है? पानी इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है? कम। पानी इसमें क्या है? ज्यादा। इसमें क्या है? कम। तो डिफ्यूजन प्रेशर बताओ पानी का। नहीं समझ रहे हो? डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब इन दोनों को हमने बंद कर दिया, आप समझो इन दोनों को बंद कर दिया और एक छेद कर दो यहां से। बताओ पानी निकल रहे हैं ना, इस गुब्बारा से भी मानो पानी निकल रहे हैं, और ये जो गुब्बारा ऐसा बनाया हो जिसमें नमक भी है पानी भी है, इसमें ऐसे समझो इसमें क्या है? नमक भी है और क्या है मेरे डियर? H2O है। इसमें प्योर क्या है? केवल प्योर क्या है? H2O है। अब बताओ हमने छेद किया तो यहां से क्या निकलेगा? जल। जल का जो प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर। इधर भी हमने छेद किया तो यहां से क्या निकलेगा बताइए? H2O। और H2O का प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? डिफ्यूजन प्रेशर। क्या निकल रहा है बताइए? पानी। किससे तेजी से पानी निकलेगा बताओ? दिमाग लगाओ। इससे पानी क्या निकलेगा? तेजी से या कम निकलेगा? H2O। इससे H2O निकलेगा क्या? तेजी से। तेजी से निकलेगा। और अगर तेजी से निकलेगा तो इसकी प्रेशर क्या होगी? ज्यादा। और इसकी प्रेशर क्या होगी मेरे डियर? कम। इसका मतलब किसी विलयन में जब सॉल्यूट मिलाते हैं तो ये पानी को पकड़ के रखता है। क्या रखता है? पानी को पकड़ करके। ये तेजी से निकलने देगा? नहीं, क्योंकि फिजियोलॉजी कहता है पानी उधर जाती है जिधर विलय की मात्रा क्या है? ज्यादा। और इधर सॉल्यूट है तो पानी बाहर जाएगा कि अंदर? अंदर। लेकिन थोड़ा बहुत पानी तो कहाँ निकलेंगे? बाहर। तो इन दोनों के जो डिफ्यूजन प्रेशर में अंतर होता है इसी को हम बोलते हैं, इन दोनों को, इसका डीपी कम और इसका डीपी क्या है? ज्यादा। इसके जो डिफरेंस है, अंतर है मेरे डियर, इसके अंतर को हम बोलते हैं क्या? डी पी डी। नाम से ही पता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट। ये तो हो गया किसकी कहानी? बुक की कहानी। 90% बच्चों को इसके बारे में समझ में नहीं आते हैं। कितना बढ़िया कोशिश किया समझाने का, फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा। तो हम आते हैं किनके लिए जन्म लिए थे? उस विद्यार्थी के लिए जिनको सच में समझ में नहीं आता है। अब आपको देखना तुरंत समझ में आएगा। एक सेकंड, ट्रिक लिखूंगा, खेल खत्म। ये मैं सोचा परिभाषा समझाऊं। आपके बुक में परिभाषा लिखा होगा डीपीडी। बताइए डीपीडी क्या है? डीपीडी क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंट। कभी परिभाषा आ जाए तो क्या समझाओगे? बिलियन का डीपी और शुद्ध विलायक के डीपी का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है प्रेशर में, उस अंतर को हम क्या कहते हैं? डीपीडी। तो बुक वाले परिभाषा तो आपको समझाना ही पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? डीपीडी। लेकिन अब सभी कहानी को भूल जाओ, डीपीडी आपको समझना पड़ेगा मेरे डियर। डीपीडी का मतलब क्या होता है बताइए? चूसन दाब, सक्शन प्रेशर। डीपीडी या नाम क्या है? एसपी, सक्शन प्रेशर, चूसन दाब। अब इसके लिए मैं जो ट्रिक लिख रहा हूं एकदम आप ध्यान रखना, जल की मांग। ये याद रहेंगे सभी बच्चों को, क्या मैंने बोला बताइए? जल की मांग। डीपीडी का मतलब गांव की भाषा में आप क्या याद रखेंगे?
गांव की भाषा में याद रखेंगे हम क्या, जल की मांग, जल की मांग या कह सकते हो पानी की मांग। किसकी मांग ढूंढ रहा है बताओ, पानी की मांग। अच्छा, पानी की मांग किसकी ज्यादा होगी, पानी की मांग किसका ज्यादा होगा, आपसे पूछा जाए किसका ज्यादा होगा, कौन सा सेल है किसका ज्यादा होगा, कौन ज्यादा प्यासा है किसका ज्यादा होगा पानी का मांग, तो आप बोलोगे क्या, जो ज्यादा प्यासा होगा, जो ज्यादा क्या होगा प्यासा, जो ज्यादा क्या होगा प्यासा, या कह सकते हैं पानी की मांग उसका ज्यादा होगा जिस कोशिका में विलय क्या होगी ज्यादा। सही बात है या नहीं, अभी भी तुम कम समझे होंगे तो इस पॉइंट को समझते हैं। अपने पास दो सेल मैंने बोला कि मुझे पढ़ना है मेरे डियर, एक सेल ऐसा है जो पूरी तरह से पेट भर के आया है और एक सेल ऐसा था हमारे पास जो सिकुड़ा हुआ है ना, ये इससे पानी निकल गया होगा, ये कैसा है प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और ये कैसा था फुल्ली टर्जिड सेल, कैसा है फुल्ली टर्जिड सेल। तो बताओ इसमें पानी ज्यादा है या कम, इसमें पानी क्या है ज्यादा, इसमें पानी क्या है कम, ये कैसी कोशिका थी बताओ प्यासा, कैसा है प्यासा। तो पानी की मांग किसकी ज्यादा होगी, जल की मांग किसकी ज्यादा होगी इसकी, तो बताइए डीपीडी का मान किसका ज्यादा होगा, प्लाज्मोलाइज सेल का डीपीडी क्या होते हैं ज्यादा। तो डीपीडी का मतलब अगर नहीं भी समझ में आया, पूछता है किस सेल का डीपीडी ज्यादा होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंट ज्यादा होगा, तो जिसका क्या हो जल की मांग, जिसकी जल की क्या है मांग, तो जल की मांग किसकी ज्यादा है प्लाज्मोलाइज सेल का, तो इसका डीपीडी का मान क्या होता है ज्यादा, डीपीडी का मान किसका ज्यादा होगा प्लाज्मोलाइज सेल का, किसका ज्यादा होगा मेरे डियर प्लाज्मोलाइज सेल का। अभी आप सुनते जाए, हालांकि आपको जो टॉपिक दिया होगा डीपीडी पढ़ा रहा हूं उसमें कुछ कुछ पॉइंट आप लिख सकते हो, अगर समझ में आ रहा है तो। डीपीडी का मतलब होता है चूसन दाब, जल की मांग, पानी की मात्रा, और पानी की मात्रा किसमें ज्यादा होगी, पानी की मांग किसकी ज्यादा होगी जिसमें क्या होगा विलय या सॉलिड क्या है ज्यादा, विलय या सॉलिड क्या है ज्यादा। अब आप समझे, इन दोनों सेल के बारे में मुझे बताइए एक बार फिर से, ये कौन सा सेल निकाला था मैं बताओ, ये वाले था क्या फुल्ली टर्जिड, जिसे हम बोलते हैं क्या पूर्णस्फीत कोशिका, कौन सी कोशिका पूर्णस्फीत, जिसे हम बोलते हैं फुल्ली टर्जिड सेल। इसमें क्या आया था मेरे डियर, ओपी बराबर टीपी बराबर डब्ल्यूपी आया था, और मुझे निकालना है क्या जानते हो डीपीडी, क्या निकालना है डीपीडी। एक और यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी, क्या होता है बताओ ओपी माइनस टीपी, दो चीज याद रख लेना हमारे लिए डीपीडी के लिए। बताइए डीपीडी क्या याद रखेंगे, एक तो पानी की मांग, दूसरा क्या याद रखोगे ट्रिक, वो डीपीडी बराबर क्या होता है ओपी माइनस टीपी, क्या होता है ओपी माइनस टीपी। तो चले यहां हम बात करते हैं, एक सेल है जो सेल नंबर ए है, उसका नाम क्या है पूर्ण अस्पित कोशिका, इसका हमें ओपी बराबर टीपी बराबर क्या होता है डब्ल्यूपी। अब हम क्या निकाल रहे हैं इसका बताइए, डीपीडी, डीपीडी बराबर क्या होता है ओपी माइनस क्या होता है टीपी, ओपी माइनस क्या होता है टीपी। अब बताइए ओपी, ओपी को तो ओपी लिख दूं, और टीपी जो है वो भी किसके बराबर है ओपी के, बताओ इन तीनों दाब इस सेल में क्या है बराबर, अगर दाब का यूनिट है बार, क्या होता है बार, आप समझो ओपी 10 बार है तो टीपी भी कितना बार होगा 10, और डब्ल्यूपी भी कितना बार होगा 10, तो यानी ओपी, और टीपी की जगह भी क्या लिख सकते हो ओपी, क्योंकि दोनों तीनों क्या है बराबर, तो ओपी माइनस क्या लिख दिया ओपी, ओपी ओपी बेटा क्या हो गया कट गया मेरे डियर, तो डीपीडी का मान क्या हो गया जीरो, डीपीडी का मान क्या हो गया जीरो। अब दूसरा जो हम सेल पढ़ने वाले हैं
वो कौन सा सेल पढ़ेंगे, देखिए इस तरह का। और इसे हम कहते हैं पीसी। पीसी का मतलब होता है जीव द्रव्य कुंचित। कौन सा नाम है इसका बताइए, जीव द्रव्य कुंचित। और जीव द्रव्य कुंचित का आपको मैंने लिखाया था टर्गर प्रेशर क्या होता है, निगेटिव। टर्गर प्रेशर क्या होता है, निगेटिव। तो अब मुझे आप यहां से बताओ डीपीडी बराबर क्या होगा, ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी। तो यहां बताइए ओपी तो ओपी हो गया, माइनस टीपी का मान क्या होता है यहां पे, निगेटिव। माइनस टीपी क्या होगा बताइए, माइनस टीपी। अरे टीपी की जगह क्या लिखूंगा, माइनस। यहां टर्गर प्रेशर क्या होता है, निगेटिव। तो माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव। यानी इसका डीपीडी का मान ओपी प्लस टीपी। सोचो अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं, केवल ये समझो डीपीडी क्या है, एक दाब है जिस दाब के द्वारा पानी को खींचा जाता है। तो कितने दाब से देखो पानी यहां चूसने की क्षमता है, इसको 10 बार मानो ऑस्मोटिक प्रेशर है और 10 बार क्या है टर्गर। तो 20 दाब से ये क्या करेगा, खींचेगा इतनी तेजी से। और मैं आपको क्या समझाया हूं बताओ, डीपीडी का मतलब गांव की भाषा में क्या समझाया हूं बताओ, पानी की मांग। क्या समझाया हूं डियर, पानी की मांग। अरे नहीं समझ में आएगा तो ये हिंदी क्षेत्र तो समझ जाओगे, डीपीडी का मतलब होता है पानी की मांग। यहां देखो पानी की मांग इन दोनों प्रेशर के बराबर से खींच रहा है और यहां पानी की मांग कितना है, जीरो। क्योंकि ये पूरी कैसी कोशिका है, फुली हुई। बताओ पूरा पेट भर के आया है तो इसको पानी की मांग होगी नहीं, लेकिन एक प्यासा आदमी है, ये कैसा है, प्यासा। तो क्या इसको जैसे ही ग्लास दूंगा तो इसको पानी की मांग क्या है, ज्यादा। तो किस कोशिका को पानी की मांग ज्यादा होगी, तो किसका होगा, जीव द्रव्य कुंचित। अभी जस्ट मैं आपको क्वेश्चन कराना चाहूंगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक लाना वो सेट मुझे क्वेश्चन वाला, समझ में आ रही बात है, ये डीपीडी लिखना है इसमें कुछ कि लिखा हुआ है आपके, आप एक कोशिश करो ना थोड़ा थोड़ा पेन चलाते रहने की। क्या खुद से लिखोगे तो आप बेहतर करोगे, नहीं तो ऐसे रेडीमेड में तो आप गलत करोगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो दो चार बहुत शानदार। चले आ गया, अब आ जाओ यही डीपीडी का मान, इसी डीपीडी का मान। देखो दो चार प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट जो मैं इसमें से है वो मैं करवाना चाह रहा हूं, जो जो डीपीडी से क्वेश्चन बनते हैं एक बार डीपीडी का मान समझते हैं। एक सेल आपको दिया होगा, उसमें देखना क्या बनाया हुआ है बताओ। एक सेल है, सेल वन। प्रश्नों को समझो आप, इसमें कैसे प्रश्न आएंगे, ज्यादातर बच्चे इसमें गलत करेंगे। ये सेल ए है, इसका ओपी का मान दिया हुआ है 25 एटमोस्फेयर। कितना दिया हुआ है, 25 एटमोस्फेयर। और टीपी दिया हुआ है डियर 10 एटमोस्फेयर। कितना दिया हुआ है, 10। दूसरा एक सेल दिया होगा आपको या कुछ लिखा होगा सेल बी, और इसका ओपी का मान कितना है, 15 एटमोस्फेयर। कितना है, 15। और टीपी का मान है 10 एटमोस्फेयर मान लिया जाए। दो तरह की सेल बनाया, एक का ओपी कितना है बताइए, 25 एटमोस्फेयर। और ये दो सेल है, पूछ रहा है पानी किधर से किधर जाएगा। ऑप्शन आपको दे देगा कि पानी जाएंगे, देखो ऐसा देगा ए से बी की ओर। सबसे ज्यादा फिजियोलॉजी में यही गलती करते हैं बच्चा, बी से ए की ओर, बी से ए, क्या है बी से कहां है, ए की ओर। सी नंबर दोनों तरफ कहीं भी जा सकते हैं, दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ क्या है, बराबर बराबर और कहीं नहीं।
डी नंबर बोलेगा कहीं नहीं। तो आपको क्या निकालना है बताइए यहां से, डीपीडी। क्या निकालेंगे मेरे डियर? डीपीडी। डीपीडी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी। क्या होगा? ओपी माइनस टीपी। चलो इसका पहले निकाल लेते हैं। ओपी कितना है इसमें? 25। और टीपी का मान कितना है? 10। कितना एटमोस्फेयर आया यहां पे आंसर? 15। कितना आया? 15। और इधर बताओ इसका कितना आ गया डीपीडी? इसका डीपीडी बराबर कितना आया? 15 माइनस 10 कितना आ गया? 5 एटमोस्फेयर। कितने एटमोस्फेयर है? 5। अब बताओ 15 एटमोस्फेयर का दाब से पानी खींच रहा है ये, और 5 एटमोस्फेयर प्रेशर से कौन खींच रहा है? ये। तो बताओ ज्यादा प्यासा कौन है? ये वाला ज्यादा प्यासा कौन है? ए। तो पानी किधर जाएगा? बी से कहां जाएंगे? ए की ओर। तो एक तो बच्चा ऐसे करेगा, दोनों का डीपीडी निकालेगा। डीपीडी जिसका ज्यादा होगा मेरे डियर, डीपीडी ज्यादा, इसका मतलब मैंने क्या बोला? पानी की मांग क्या होगी? ज्यादा। पानी की मांग क्या होगी? ज्यादा। और जिसको पानी की मांग, इसका मतलब वो कोशिका प्यासा क्या है? ज्यादा। वो कोशिका प्यासा क्या है? ज्यादा। तो जिसका डीपीडी ज्यादा होगा उसका पानी की मांग क्या होगी? ज्यादा। तो इस सेल का डीपीडी ज्यादा है, इसका मतलब पानी कहां जाएगी? बी से ए की ओर। कहां जाएगी? बी से ए की ओर। ये इस टाइप का एक प्रश्न आएगा। आप समझ गए इस पॉइंट को कि किधर से किधर पानी जाएगा। यहां से एक पॉइंट आने वाले हैं। चले अब आगे बढ़े हैं। अब आ जाओ दूसरा। चलिए अब बताइए, ये बिलियन है। क्या है? ये बिलियन। और ये आपका है विलायक। जब भी मैं विलायक लिखूं तो आपको समझना है मेरे डियर शुद्ध विलायक। क्या समझोगे? शुद्ध विलायक। तो एक पॉइंट हम समझते हैं जिसे आज के बाद हम बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलोगे? प्योर सॉल्वेंट। और ये जैसे ही विलियन लिखा, इसको आप समझोगे क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसमें कहीं ना कहीं प्योर के साथ, किसके साथ? प्योर के साथ। ये प्योर जल है, और प्योर जल क्या है ये समझो? प्योर जल। और इसके साथ मिला दिया हूं मैं क्या? नमक। ये क्या मिला दिए हैं? नमक। तो ये क्या बन गया है बताइए? बिलियन। क्या बन गया? बिलियन। अब इधर समझना, केवल पानी रख रहा हूं इस बीकर में। केवल क्या है? पानी। ये केवल ऐसा ऐसा क्या है? पानी। आप समझो इस कहानी को। ये कैसा है? शुद्ध जल। ये कैसा है? बिलियन। इस चीज को हम समझते हैं। अच्छा बताओ, अब एक हमें पॉइंट समझना पड़ेगा, स्वतंत्र ऊर्जा। क्या समझते हैं नया पॉइंट? स्वतंत्र ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। क्या बोलेंगे? फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी किसका ज्यादा होता है? बिलियन का ज्यादा होगा या शुद्ध विलायक का होगा? शुद्ध विलायक का होगा या बिलियन का? फ्री ऊर्जा नहीं समझा सर, आप समझे गांव की भाषा में। जैसे ये पानी के अणु, केवल पानी पानी है, केवल लड़का लड़का क्लास में है, केवल लड़की लड़की क्लास में, शुद्ध क्लास है। केवल लड़का का क्लास हो या केवल लड़की का क्लास हो, आप दोनों जो मिले हुए हो ना, ये बिलियन। क्या है ये? अब आप एक कल्पना करना, एक बस पे केवल लड़का है, 50 क्या जा रहा है बताइए? लड़का। यहां से जयपुर या माउंट आबू जा रहे हैं, केवल बस जा रहा है, और किसका है वो बस? लड़का लड़का, पूरी लड़का है। तो क्या है? शुद्ध विलायक। केवल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, और अंतराक्षरी खेलता हुआ जा रहा है, मस्ती करता हुआ। स्वतंत्र ऊर्जा का मतलब क्या है? एक दूसरे से सब क्या है? फ्री है। समझ रहे हो मेरी बात को? सारे बच्चे हल्ला करते हुए, होली गाते हुए, अपने मारवाड़ी में, मेवाड़ी में गाते हुए जा रहे हैं, अंतराक्षरी खेल रहे हैं। कुछ दूर के बाद एक लड़की आई, शुद्ध विलायक में प्रवेश किया विलय। पूरी बस में एक क्या आई है बताइए? लड़की। और जिस जगह वो लड़की बैठी, ये बैठी, एक लड़की बैठी हुई है, यहां के बेचारे के 3-4 पानी के मॉलिक्यूल्स
एक लड़की बैठी, ये चार अणु जो है अपना इमेज बनाने में लग गया। पहले तो वो बड़ा नाटक कर रहा था बस में, देखा होगा केवल लड़का लड़का है तो सीट में हो हंगामा, गमछी नचा रहा है, ये नचा रहा है। उसकी स्वतंत्र ऊर्जा क्या है? ज्यादा है। फ्री एनर्जी क्या है? ज्यादा। क्योंकि बस में केवल क्या है? केवल क्या है? एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स है, तो उसकी स्वतंत्र ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। जैसे ही दूसरा अणु आया, इस चार मॉलिक्यूल्स की स्वतंत्र ऊर्जा में कमी आएगी या वृद्धि होगी? कमी। अब वो चारों लड़का ना थोड़ा सभ्य ढंग से बैठेगा, गमछे उमछे से मुंह का ना, ठीक। स्वतंत्र, एक लड़की आने से अगेन दूसरी लड़की आ गई, विलय। तीसरी आ जाए, चौथी आ जाए, पांचवी। आप पूरे बस में पांच लड़की को बिठा दो कोने कोने में, देखना सारा लड़का शांत। ये अपने इसी अंदाज में मरता है कि मेरा इंसल्ट ना हो जाए। अरे गधा, चीन ना जान, तू खुद का समझ रहे हो कि एकदम सलमान खान? कुछ नहीं है पहचान, कुछ नहीं अपने आप का। भाई हमारे इंसल्ट ना हो जाए। ये किस में हो रहा है बताइए? बिलियन में। किस में हो रहा है? आप मेरी बातों को समझना, तो एक मैं लिख रहा हूं फ्री एनर्जी। क्या समझ रहे हो? फ्री एनर्जी, जो टॉपिक आगे समझाऊंगा, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्वतंत्र ऊर्जा। बताइए स्वतंत्र ऊर्जा इसमें क्या है? ज्यादा। और इसमें क्या है? कम। ये केवल स्वतंत्र ऊर्जा इसी से नहीं समझ सकते हो, हम अपने घर में भी समझ सकते हैं। हमारे घर में पांच सात परिवार है, देखता होगा घर में हम किसी तरह से रहते हैं, हाफ पैंट पहन के बनियान पे घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे। लेकिन जैसे ही होली दीपावली के एक कोई गेस्ट आ जाए, जीजा जी आ जाए, बाहर के फूफा आ जाए, फूआ आ जाए, कुछ भी आ जाए, थोड़ा सा हम क्या बनते हैं? थोड़ी सभ्य। यार गेस्ट आया हुआ है, क्या सोचेगा? नए नए मेहमान आ जाए, नया नया जीजा शादी होके आया है, तो देखता होगा उस टाइम दो चार दिन बड़ा हम कैसे रहते हैं सब। कभी भी प्योर में जब कोई विलय आएगा डियर, तो उसकी स्वतंत्र ऊर्जा में क्या आएगी बताइए? कमी। स्वतंत्र ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। जैसे हमारे गेस्ट उस्ट आएंगे तो क्या घर में वैसा ही रहेंगे या थोड़ा सा सभ्य बनते हैं? सभ्य बनते हैं ना। तो पहला मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था? फ्री एनर्जी। क्या समझा रहा था? फ्री एनर्जी। दूसरा हम समझते हैं बिलियन का ओपी ज्यादा होगा या शुद्ध विलायक का, जल्दी बताओ। आप बताओ विलय किधर ज्यादा है? बताओ, एक ही कॉन्सेप्ट से समझा देता हूं। विलय क्या है? इधर ज्यादा, और इधर तो विलय ना के बराबर या लिख देता हूं कम है। ना के बराबर, ना के बराबर कम। विलय का मतलब अगर विलय आपने जीरो कर दिया तो ओपी क्या हो जाएगा बताइए? इसका इसका ओपी क्या होगा? ज्यादा। और इसका ओपी क्या होगा? कम। और कम का मतलब अभी क्या लिख देता हूं? जीरो। कम का मतलब कितना लिख दिया डियर? शुद्ध विलायक का ओपी कितना होगा? जीरो। एग्जाम में आया हुआ है, शुद्ध विलायक का ओपी कितना होगा? जीरो। अब लास्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं आपसे डीपीडी। क्या लिख रहा हूं? डीपीडी। बताओ पानी की मांग इसका होगा या नहीं? अरे इसका तो होगा, क्योंकि इसमें विलय है, सॉलिड है। और ये किसके बराबर था? ओपी प्लस टीपी के बराबर। ओपी प्लस टीपी के बराबर। और इसका डीपीडी का मान, शुद्ध विलायक का डीपीडी, शुद्ध विलायक का डीपीडी का मान कितना? जीरो। और यही मान इसका है अधिकतम, सॉरी साई डब्ल्यू अधिकतम। इसका डीपीडी का मान कितना होगा बताइए? जीरो। डीपीडी इसका शुद्ध विलायक का कितना होगा? जीरो। ये लिख लिए एक बार, छाप दिया दो तीन पॉइंट। फ्री एनर्जी किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये पॉइंट आपको आना चाहिए। ये स्लाइड नहीं दिए बना किसके, इतना तो लिख पाना ही भारी होगा। चले आगे बढ़े, यहाँ पे डीपीडी सेल पे चर्चा करते हैं। ये तो केवल शुद्ध विलायक या इसको हम फुल लिटर्जिट जब सेल, यहां लिख देता हूं किसका डीपीडी जीरो होता है बताइए? फुल लिटर्जिट का। किसका होता है? फुल लिटर्जिट का।
लिख लिए ये। एक पॉइंट और समझा देता हूं तब मुझे ज्यादा अच्छा समझ में आएंगे, दोनों टॉपिक आप साथ साथ कर लोगे। देखो डीपीडी का ही एक दोस्त है ना जिसका नाम है जल विभव। क्या नाम है बताइए? जल विभव। और जल विभव को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। क्या बोलोगे? वाटर पोटेंशियल। याद रहेगा आपको जल विभव का ही दूसरा नाम, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। और इसका ट्रिक क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा समझें। जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है क्या है, शुद्ध पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा और बिलियन के पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच का अंतर। तो अभी तो मैंने आपको समझाया ये कौन सा है बताइए। यहां पे मैंने ये समझाने की कोशिश किया था बिलियन का स्वतंत्र ऊर्जा क्या हो रहा है बताइए, कम, और शुद्ध विलायक का क्या है, ज्यादा। इन दोनों की स्वतंत्र ऊर्जा में जो अंतर होता है इसे हम क्या बोलते हैं बताइए, इसे हम बोलते हैं जल विभव। यानी कि फ्री एनर्जी में जो डिफरेंस है, किस एनर्जी में अंतर है बताइए, फ्री एनर्जी में जो क्या है अंतर, और अंतर को लिखते हैं डेल्टा। क्या लिखते हैं? डेल्टा। किस में अंतर है? फ्री एनर्जी में जो अंतर है उसे हम क्या बोलते हैं? जल विभव। किसके फ्री एनर्जी बताओ? तो एक मैंने क्या बनाया था बीकर में बताओ, ये केवल एक तरह के अणु है, और ये कितने तरह के अणु, इधर बना देता हूं, ये तो बना देता हूं, इसमें कौन आ गया, दूसरा मॉलिक्यूल्स, और ये केवल एक ही प्रकार के है, एक प्रकार का एकदम घर में अपना अपना परिवार है। तो बताइए ये जैसे तैसे रहेंगे, इसकी फ्री एनर्जी क्या है, एफ ई, ज्यादा, और इसकी फ्री एनर्जी क्या है, कम। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जल विभव। ये किसकी परिभाषा है, बुक का। हमारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं इसको, तो ये समझ में आता है बेचारा, उधर डीपीडी समझाया था जल की मांग, ये समझता है जल की मात्रा। बताओ क्या समझोगे, जल की मात्रा। क्या समझोगे? जल की मात्रा। और इसे किससे दर्शाते हैं, साई डब्लू से। किससे दर्शाते हैं? साई। कई बच्चे तो यही नहीं समझता है कि ये साई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बताइए? साई। क्या लिखा हुआ है? साई। तो इसका सिंबल क्या है? साई डब्लू। क्या लिखते हैं इसको? साई डब्लू। और साई डब्लू को कैसे याद रखोगे? जल की मात्रा। क्या याद रखेंगे? जल की मात्रा। तो डीपीडी जो होता है, डीपीडी बराबर है माइनस साई डब्लू के। किसके हैं बताइए? दोनों के मान सेम होगा पर निगेटिव साइन लगा रहता है किसमें, साई डब्लू। और साई डब्लू का अधिकतम मान, साई डब्लू का मैक्सिमम मान यहां लिख देता हूं, साई डब्लू मैक्सिमम कितना होता है, वो होते हैं जीरो। कितना होता है बताइए? जीरो। अभी मैं आपको समझाता हूं साई डब्लू का अधिकतम मान कितना होता है, जीरो। जैसे लिखूं साई डब्लू एक का -20, -10, -5 और जीरो। बताओ माइनस में सबसे बड़ा मान क्या है? जीरो। सबसे बड़ा मान क्या है? जीरो। सबसे बड़ा मान क्या है? जीरो। आप जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं, साई डब्लू कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप कोशिश करूंगा मैं आपको कि पूरी समझा दूंगा। आज थोड़ा मेरा मूड खराब है, ये सब खिलौने की जैसा मैं समझा दूंगा आपको, पर आप समझें। केवल मुझे दो शब्द बार बार रहने दो, क्या डिस्टर्ब, दो शब्द बताना है। एक तो डीपीडी और एक क्या होता है, साई डब्लू। एक तो डीपीडी, एक क्या है, साई डब्लू। डीपीडी किसे बोलता हूं बताओ? पानी की मांग। कितनी तरह की सेल पढ़ना है? दो तरह का। अब ना समरी करता हूं, और एक पढ़ाया हूं क्या, साई डब्लू, जल विभव। क्या है नाम? जल विभव। और जल विभव को गांव की भाषा में समझेंगे पानी की मात्रा। एक पानी की मांग और एक पानी की, कितने तरह की सेल पढ़ना है डियर? दो तरह का। एक लास्ट बार कोशिश करता हूं आपको समझाने का। एक सेल पूरा फूला हुआ, एक सेल क्या है बताइए, पूरी फूला हुआ। लो बना देता हूं एकदम अच्छे से, पूरा फूला हुआ। और ये सेल कैसा होगा बताइए? फुल्ली टर्जिड सेल। और एक सेल जो है हमारे पास वो कैसा है बताइए? ये वाले सेल बना देता हूं, और ये सेल आपका है सिकुड़ा हुआ सेल। ये है
सही बात है। और इसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, पीसी। अब आपसे पूछ रहा है किसका डीपीडी ज्यादा होगा, डीपीडी ज्यादा होगा, तो डीपीडी का मतलब क्या बताया था आपको, पानी की मांग। क्या बोला हूं, पानी की मांग। ये कोशिका पूरी फूली हुई है तो क्या इसको पानी की मांग होगी, तो इसकी पानी की मांग होगा कम, जिसे बोलते हैं न्यूनतम। क्या होगा, न्यूनतम। और कितना न्यूनतम होगा, तब वो मान आएगा कितना, जीरो। कैसे निकाला था मेरे डियर, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, और ये दोनों मान क्या हो गए थे, बराबर, ओपी माइनस ओपी, और ओपी ओपी कट गया, आंसर कितना आया था, जीरो। कितना आंसर आया था, जीरो। और यहां डीपीडी का मान क्या होगा बताओ, डीपीडी, ये तो प्यासा सेल है, 8-10 दिन से प्यासा है या नहीं, तो इसका डीपीडी का मान क्या होगा बताइए, मैक्सिमम। पानी की मांग क्या होगी, अधिकतम। कितनी होगी अधिकतम, तो मैंने बताया था ओपी माइनस क्या होता है, टीपी। लेकिन इसमें टीपी क्या है, ओपी माइनस टीपी का मान माइनस टीपी, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका मान हो जाएगा ओपी प्लस टीपी। अब देखो इसका मान कितना ज्यादा हुआ, तो ये मान डीपीडी का क्या होगा, अधिकतम। तो बताइए केवल एक पॉइंट, यहां पे डीपीडी का मान क्या आया, यहां पे डीपीडी का मान न्यूनतम का मतलब कितना आएगा, जीरो। डीपीडी का मान कितना आया मेरे डियर, जीरो। पूछेगा फुल्ली टर्जिड सेल, पूर्ण स्पित कोशिका का डीपीडी का मान कितना होता है, तो आप क्या टिक करके आएंगे, जीरो। और प्लाज्मोलाइट सेल का मान कितना होता है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना, ओपी प्लस किसके बराबर, टीपी के बराबर। ये एक लाइन यहां से समझ में आई कुछ बातें। अच्छा, दूसरा नंबर पॉइंट जो पार्ट टू आपको पढ़ा रहा हूं, वो कौन पढ़ा रहा हूं, साई डब्लू। साई डब्लू का मतलब होता है मेरे डियर क्या, जल की मात्रा। तो बताइए जल की मात्रा इसमें ज्यादा है जल या इसमें है, बताओ। ये तो पूरा पानी एकदम भरा हुआ है, तो इसमें जल की मात्रा क्या है, ज्यादा, और इसमें जल की मात्रा क्या है, कम। मैंने क्या बोला, ये दोनों आपस में दोस्त है लेकिन उल्टा दोस्त है। डीपीडी बराबर होता है माइनस साई डब्लू, यानी आपस में क्या रहेगा, उल्टा। बताइए इसका डीपीडी क्या था, न्यूनतम, तो इसका साई डब्लू क्या है, अधिकतम। इसका डीपीडी क्या था, अधिकतम, तो इसका साई डब्लू क्या है, न्यूनतम। यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। एक में पानी की मांग तो एक में पानी की मात्रा। जिसमें पानी की मांग कम होगी उसमें पानी की मात्रा क्या होगी बताओ, ज्यादा। क्या होगा, ज्यादा। चले आगे, तो इसका साई डब्लू का मान क्या होगा, ज्यादा, और इसका साई डब्लू का मान क्या होते हैं, कम। अब साई डब्लू का अधिकतम मान कितना होता है, साई डब्लू का अधिकतम मान कितना, जीरो। ये बहुत बार आए, तुम्हें लगेगा यार जीरो कैसे होते हैं सर, क्योंकि इसकी मान किधर होती है बताओ, निगेटिव में, और निगेटिव की अधिकतम मान कितना होगा, जीरो। मैं समझाता हूं, निगेटिव की अधिकतम मान जैसे माइनस 20 है, माइनस 10 है, माइनस 5 है, और एक मान कितना, जीरो, तो अधिकतम कौन होगा, जीरो। समझ में आई कुछ बातें, लिख लिए यहां तक, लिखा होगा कहीं ना कहीं। आप देखो, आप ये सबसे अच्छा समझने का पॉइंट, बच्चे यही नहीं समझते हैं, कर दिया आप लोग सभी। इसको यहां तक पढ़ लेना है, जल विभव में आप मिलाओ शुद्ध पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, बिलियन के पानियों के अणुओं के स्वतंत्र ऊर्जा के बीच का अंतर, डीपीडी बराबर क्या होता है, माइनस साई डब्लू, साई डब्लू का मतलब पानी की मात्रा, पूर्ण स्पित कोशिका, जीव द्रव कुंचित, करवा रहा हूं ना, ये पूरी करवा दिया हूं, ए और बी, शुद्ध जल है उधर क्या है, बिलियन, शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा क्या है, ज्यादा, और इसका स्वतंत्र ऊर्जा क्या है, कम। पानी की मात्रा किसमें ज्यादा होगी, शुद्ध जल में या बिलियन में, शुद्ध जल में। और विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी किसकी ज्यादा होती है,
चलो एक बार मुझे फिर से बता दो आप, ये बिलियन है ना, ये क्या है? शुद्ध जल है। इसमें बिलियन में क्या है? बिलियन में क्या है? जहां जहां देखो विलय है। क्या है? विलय। तो जहां विलय होगा उसका ओपी क्या होगा? ज्यादा। उसका ओपी क्या होगा मेरे डियर? ज्यादा। और स्वतंत्र ऊर्जा क्या होगी? कम। इधर स्वतंत्र ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा। पानी की मांग ज्यादा ये करेगा या ये करेगा? पानी की मांग का मतलब विलय देखना है। क्या देखना है? विलय। ज्यादा मांग कौन करेगा? ये वाले। कौन करेंगे? ये इधर वाले। तो ये जो टॉपिक आपका था प्लाज्मोलाइज्ड तक आपके क्या है समाप्त, वाटर पोटेंशियल प्लाज्मोलाइज्ड डीपीडी, इसका हम करेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छे से, तब आपको ज्यादा बेहतरीन क्या आएगा ये समझ में। जितना बढ़िया हम क्वेश्चन करेंगे वो आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा पॉइंट बच गया वो मैं आपको करा देता हूं, कल आपको इसके रिलेटेड सारे प्रश्न करेंगे। कहां तक पढ़ के आना है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, कहां तक? 50 क्वेश्चन करूंगा। आज मैं आपको पढ़ा देता हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ाता हूं? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं हम बिलियन के प्रकार। क्या बोलते हैं? बिलियन के प्रकार। आप ये पॉइंट अच्छे से समझें, बिलियन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या समझ रहे हैं? बिलियन के प्रकार। सारे प्रश्न कल बेहतरीन तरीके से करेंगे, आपको और अच्छा समझ में आएगा ये टॉपिक। केवल समझ में आना है डीपीडी। क्या क्या पढ़ाया हूं बताओ? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? डीपीडी क्या होता है? साई डब्लू क्या होता है? जल विभव क्या होते हैं? शुरू से एक रिवीजन अगर करता तो डिफ्यूजन क्या है? फ्यूज होना। फ्यूज होने में जो माध्यम पे प्रेशर लगा उसको डिफ्यूजन प्रेशर। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। किस पे दाब लगाया? अर्ध पारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे। उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। बताइए, मृदा से, मिट्टी से, जड़ में, जड़ से तना में, तना से पानी में, तो सबसे ज्यादा ओपी किसका है? पत्तियों की। किसकी है? पत्तियों की। जिसका ओपी ज्यादा होगा इसका मतलब उसमें विलय ज्यादा है, पानी उधर जाएगी, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या है? ज्यादा। यही सब चीजें पढ़ रहे हैं। अब हमने दो तरह की कोशिका पढ़ाया आपको, एक तो पूरा पेट भर के पानी आया हुआ है जिसको बोलते हैं फुल्ली टर्जिड, एक 15 दिन से प्यासा हुआ है बेचारा, उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचित यानी प्लाज्मोलाइज। अब हमने दो टॉपिक आज कवर किया, डीपीडी। डीपीडी का मतलब होता है पानी की मांग, और इसका परिभाषा क्या है? दोनों कोशिका के जो डिफ्यूजन प्रेशर में अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डीपीडी। लेकिन बच्चा नहीं समझता है हमारा, तो कैसे समझाना है? पानी की मांग। और पानी की मांग किसमें ज्यादा होगा? जो कोशिका ज्यादा प्यासा है। प्यासा कौन है? प्लाज्मोलाइज। तो उसका डीपीडी का मान क्या होगा? ज्यादा। दूसरा हमने बताया जल विभव। वाटर पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो वाटर पोटेंशियल हम कहेंगे किसको? जल की मात्रा को। और जल की मात्रा किसमें ज्यादा है? मोटा वाले। कौन सेल है? फुल्ली टर्जिड सेल। और ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। कौन? डीपीडी और साई डब्लू। लेकिन ये एक प्लांट है, समझना। अगर पूछा जाए जल अवशोषण जो होते हैं, जल अवशोषण ये भी एक करा देता हूं, जल अवशोषण। हालांकि क्वेश्चन मैं कल कराता, वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन ये जो होता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पहला ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा डीपीडी, और डीपीडी का ही नाम क्या आएगा? सक्शन प्रेशर। कौन आएगा? सक्शन प्रेशर। और सी नंबर ऑप्शन होता दोनों, तो क्या टिक करते? दोनों। चूसन दाब है, पानी को कितना सक कर रहा है, चूस रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा मजबूत दाब कौन है मेरे डियर? नाम ही है क्या? चूसन दाब। अगर आता जल को अवशोषण करने वाले चार दाब, कौन कौन है? पहला आता डीपीडी, दूसरा आता ओपी, फिर आता टर्गर प्रेशर, फिर आता वॉल प्रेशर। बताइए जल्दी जल्दी कौन सा ऑप्शन होंगे? तो कौन सा आंसर? मेन दाब कौन है जल को खींचने वाला? नाम ही क्या है? चूसन।
किससे चूज कर रहा है बताओ, मिट्टी से, किससे, मिट्टी से। लेकिन दोनों प्रेशर आ जाए ओपी और डीपी तो क्या टिक करेंगे, दोनों ओपी और डीपी। लेकिन मेन प्रेशर कौन है, प्रेशर का मतलब होता है दाब, टेंशन, कौन है, डीपी डी। तो ये केवल यही पूछेगा जल अवशोषण में कि किस दाब के द्वारा मिट्टी से पानी ऊपर जाता है, तो आपको याद रखना है सक्शन प्रेशर और कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सक्शन प्रेशर और कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये चीजें ना आप एमएससी पीएचडी तक रगड़ करके पढ़ते रहेंगे सभी एग्जाम में, सक्शन प्रेशर डीपी डी। अभी एक छोटा सा टॉपिक, अच्छा एक प्रश्न और ले लेता हूं फिर मैं ये ज्यादा अच्छा समझाऊंगा, ये पॉइंट को समझो। बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है, इसमें हम NaCl डाल दिए, क्या डाल दिए, NaCl। और एक दूसरा बिलियन है मेरे डियर, इसमें ग्लूकोज डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, ग्लूकोज। यानी इसमें ग्लूकोज प्लस H2O है और इसमें क्या है बताइए, H2O प्लस क्या है, NaCl। H2O प्लस क्या है, NaCl। बताइए किसका ओपी ज्यादा होगा, ओपी का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। किसका ओपी ज्यादा होगा, ओपी किसका ज्यादा होगा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, बताओ। ओपी का मतलब क्या होता है, प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसमें आयन ज्यादा हो। कौन आसानी से टूट जाएंगे बताइए, NaCl टूटता है या ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं टूटते हैं। तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी ऐसा C6H12O6, इसको देखा है टूटते हुए, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है, ये टूटते नहीं है। ये दो पानी के अणुओं के बीच, जैसे पानी पानी का ऐसा अणु है, ये क्या है डियर, H2O, ऐसा है। जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये इन दो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच चला जाता है। ये कहां चला जाएगा, बीच में, टूटते नहीं है। लेकिन ये क्या है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो ये तो एक ही मॉलिक्यूल्स रहा और ये टूट करके कितने बन गए, दो। तो आयन की संख्या किसमें ज्यादा, इसमें, और जिसमें आयन ज्यादा है उसका ओपी क्या होगा, ज्यादा, और इसका ओपी क्या होगा, कम। तो बताइए किसका ओपी ज्यादा होगा, NaCl का। किसका ओपी ज्यादा होगा, NaCl। चलो दो चार तरह के मैं पहले प्रश्न करा देता हूं, कल फिर मैं आपके साथ मिलूंगा तब बेहतर कराऊंगा। चलो एक तो ये पूछा है टोनोप्लास्ट, चलो कुछ कुछ प्रश्न मैं करा देता हूं। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट का नाम सुना है आपने, टोनोप्लास्ट क्या होता है, टोनोप्लास्ट। आप जब प्लांट सेल की चर्चा करोगे, प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में डियर ये हो गया इसका मेम्ब्रेन, क्या हो गया बताइए, मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में बड़ा सा एक खाली जगह होता है, ये खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स, क्या बोलेंगे, वैक्यूल्स। हिंदी वाले इसको बोलते हैं रिक्तिका, क्या बोलेंगे, रिक्तिका। और इस रिक्तिका के जो मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन होता है ये वाले भाग जो होते हैं, झिल्ली है, इसी को हम बोलते हैं क्या, टोनोप्लास्ट। क्या बोलोगे इसको, टोनोप्लास्ट। तो ये भी आया हुआ आपके एग्जाम में, टोनोप्लास्ट किसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं, रिक्तिका के मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा वो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। चलो अब एक पॉइंट, जब हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा करोगे, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा ही देता हूं। कर दिए टोनोप्लास्ट, क्या है टोनोप्लास्ट बताओ, प्लांट में बड़ा सा खाली जगह होता है। आए गुरु जी क्यों खाली जगह देते हैं, सामान उमान रखने के लिए, देखता होगा गाँव में बड़ा सा एक भंडारण रूम खाली कर देते हैं, जिसमें ट्रैक्टर के पहिए है, पाइप है, लोहा है, ये सब डाले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका, हॉल है, क्या है, हॉल। उसके चारों तरफ जो दीवार है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। आज की टॉपिक अब हम फिर से शुरू कर देते हैं थोड़ा सा, और वो हेडिंग क्या डाल दिए थे बताइए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी निपटाएं, विलयन के प्रकार, किसके प्रकार की चर्चा करूंगा, विलयन के प्रकार। आइए जल्दी से, विलयन के प्रकार, ये टर्मिनोलॉजी में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितने तरह के विलयन पढ़ोगे, तो एक हम समझते हैं, देखो एक को बोलते हैं समपराशरी, क्या बोलते हैं, समपराशरी, समपराशरी, इसे कहते हैं आइसोटोनिक, क्या बोलते हैं मेरे डियर,
आइसोटोनिक, दूसरे का नाम है अल्पपराश्री। क्या नाम है? अल्पपराश्री। पहले नाम सुनो, अल्पपराश्री, इसे कहते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरे का नाम है अतिपराश्री। क्या नाम है? अतिपराश्री। अति का मतलब ज्यादा, इसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। अब आपको नाम से ही पता है, जरा नाम क्या है गुरुजी समझते हैं। मैंने एक सॉल्यूशन लिया, देखो ये सॉल्यूशन है, बिलियन बना रहा हूं, और इस बिलियन में ये बिलियन है, इस बिलियन में देखे आराम से ये क्या बना दिया हूं बताओ, बिलियन। और इसमें एक सेल को डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं बताइए, सेल को। किसको डाल रहा हूं? सेल का। तो इस सेल को जैसे ही डाला, ये सेल है, ये मान लिया जाए कोई क्या है, सेल, कोशिका। इसमें जितना विलय है, यानी जितने विलय किसमें है, इसमें, इसको मान लेते हैं ए। कौन सा मान लिया? ए। एक और बना लेता हूं आपको, सभी में बना देता हूं ये वाले, ये है बी, ए मान लेता हूं। इसको भी मान लेते हैं अपन क्या, ए। इसको क्या मान लिया? ए। अब जो डाल रहा हूं ना, उसको मान लेते हैं बी, ताकि आप आसानी से समझोगे। क्या मान लिया? ये वाले इसमें जा रहे हैं, तो ये वाले जो है, ये क्या है मेरा सॉल्यूशन। यहां भी बना दिया आपको क्या, बी, और यहां भी बना दिया ये बी। अब ये बी क्या हो सकता है? चना हो सकता है, किशमिश हो सकता है, मूंगफली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आरबीसी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। अब आप समझो, ये जो बी नंबर है, ये कह रहा है संपराश्री किसे कहेंगे, यानी कि दोनों का विलय क्या हो, बराबर। विलय का मतलब, विलय का मतलब सांद्रता। क्या बोल दूं इसको? सांद्रता लिख देता हूं। क्या बोलता हूं? सांद्रता। सांद्रता का मतलब कंसंट्रेशन, और इसे क्या बोलते हैं? सांद्रता। क्या बोलते हैं? सांद्रता। यानी ए की सांद्रता ऐसे लिखते हैं, बराबर है डियर किसका, बी की सांद्रता। और सांद्रता का मतलब कल मैंने बोला था विलय की मात्रा। क्या बोला था बताओ? विलय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बताओ ए और बी दोनों में सॉल्यूट क्या है? बराबर। किधर से किधर पानी जाएगा जल्दी बताओ, किधर से किधर पानी जाएगा? पानी कहीं नहीं जाएगा, पानी कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं, पानी कहीं नहीं जाएगा। बताओ पानी किधर जाते हैं? जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, ज्यादा। अब बताओ आपके एग्जाम में आ जाए कि कोई संपराश्री विलयन है बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो क्या समझोगे? समान है, जितना मेरे में विलय है उतना उसमें भी है, तो पानी किधर जाएगा? कहीं नहीं। दोनों में विलय क्या है? सेम। सॉल्यूट क्या है? सेम। अब नाम क्या है? अल्प। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। यानी इसमें क्या है, विलय क्या है डियर? कम। इसमें विलय क्या है? कम। और इसमें सॉल्यूट क्या है? ज्यादा। इसमें क्या है? कम। और इसमें क्या है? ज्यादा। इसमें क्या है बताइए? कम। और इसमें ज्यादा। तो मैं कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन किसका? ए का। कंसंट्रेशन किसका? ए का। ज्यादा है या कम? कम है। क्या है? कम। किससे कम है बताइए? तो मैं केवल लिखूं कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है? कम है। तो इसको कौन सा हम बिलियन बोलते हैं? कौन सा बोलते हैं बताइए? इसको हम बोलते हैं अल्पपराश्री। क्या बोलोगे? यानी जो आपका सेल है उससे इसमें क्या है, विलय कम है। अब बताइए अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा। यानी कंसंट्रेशन ए का क्या है मेरे डियर? ए का क्या है? ज्यादा। बस ऐसे एक एक सॉल्यूशन घोल ले लिया। बताइए इसमें इसमें क्या आपने देखा? एकदम इजी है रे, दोनों में क्या है? बराबर। इसमें क्या है? कम। मान लो ये क्या है, मान लो किशमिश है, ये क्या है, मैं इसे बोल देता हूं, ये क्या है? किशमिश है। और ये क्या है बताइए? इसमें कम मानना है, तो ये मान लो पानी है। क्या है ये? पानी। तो
तो ये कैसा सॉल्यूशन है बताइए, पानी में कुछ तो सोडियम उडियम होगा, तो ये कैसा सॉल्यूशन है बताइए जिसका कंसंट्रेशन ए का मान क्या है कम और किशमिश का क्या है ज्यादा। और इसमें मान लो ये, मान लो इसको हम मान लेते हैं चाशनी, क्या मान लिए चाशनी, तो बताइए ए का कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा। अब यहां कुछ भी ले लो, चाहे किशमिश ले लो, चाहे आप आरबीसी ले लो, कोई भी ले लो आप, चाहे चना डाल देते हो, डालते हो आप, समझो तुम ऐसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं चना को डाल रहा हूं, देखो एक पॉइंट अच्छे से समझना, ये लिया हमने और यहां मैं डाल रहा हूं किसको, चना को, किसको डाला चना को, तो चना को डाला हूं पानी में, किसमें डाल दिया पानी में, तो बताइए चना और पानी क्या कहला रहा है, पानी कौन सी सॉल्यूशन है बताइए, पानी कैसा है, पानी है ये वाला अल्प पराशरी, कैसा है अल्प पराशरी, ये पानी है, इसमें क्या डाल रहे हैं चना को, तो पानी में विलेय क्या है कम, किसकी सापेक्ष चना के सापेक्ष, कैसा विलेय का विलयन कहलाएगा अल्प पराशरी, कैसा अल्प पराशरी। अब समझना इसी चना को हम डाल रहे हैं चाशनी में, कहां डाल रहे हो चाशनी, देखे हो चाशनी में डाल दिया चना को, तो चाशनी में तो चीनी क्या है ज्यादा, चना से भी ज्यादा विलय किसमें है चाशनी में, तो ये कैसा विलयन कहलाएगा अति पराशरी। एकदम इजी है, देखो आप आरबीसी को पानी में डाल दिया, तो आरबीसी से विलय पानी में क्या है कम, तो पानी कैसा है अल्प। इसी आरबीसी को हम डाल देते जान तो नमक का एक घोल में, एक ग्लास नमक और पानी घोल बनाया उसमें आरबीसी डाल दिया, तो बताओ नमक पानी का जो ग्लास है वो कैसा है अति पराशरी, कैसा है, समझ रहे हो। वैसा ही जैसा मैं कल बोल रहा था, ये सेम कहानी, समुद्र की पानी में मछली डाल दूं तो समुद्र की पानी कैसा हो जाएगा अति पराशरी, कैसा हो जाएगा अति पराशरी। फिर से समझो, समुद्र के मछली, मछली ऐसे ऐसे दिखा रहा हूं, क्या है ये मछली, कहां की मछली समुद्र की, तो इसमें नमक क्या है ज्यादा, इस मछली को लाया और पानी में डाल रहा हूं, पानी में, तो मछली और पानी, तो ये जो पानी में डाल रहा हूं ये कैसा सॉल्यूशन है, इसकी सापेक्ष अल्प है, कैसा है अल्प, कैसा है अल्प, यही समझना है, किसमें डाल रहे हो वो कैसा है, तो ये कैसा है पानी अल्प। भाई इस मछली में नमक ज्यादा है, ऐसे चाटा, नमक क्या है इसमें ज्यादा, इसमें पानी में क्या है कम, तो बताओ किसमें डाल रहे हो पानी में, जिसमें विलय क्या है कम, सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, अगर दोनों बराबर हो तो सम, अगर ज्यादा है तो, समझ गए बात, यही तो कल पढ़ा रहा था, पर एक क्वेश्चन करोगे ना, नहीं करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, देखो जरा कैसे, बस अंतिम विदाई का समय हो रहा है अपना, क्या लिख रहा था, जो आया है वही लिख देता हूं मैं, नहीं 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 जो आया है एकदम सेम लिखता हूं, ग्रेप्स प्लेस्ड इन साल्ट सॉल्यूशन, ग्रेप्स प्लेस्ड इन, कल और कराऊंगा एकदम अच्छे से, प्लेस्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन श्रिंक ड्यू टू ऐसा नहीं समझा गुरुजी, अरे पागल सब समझा दूंगा, हमारे गुरुजी समझाते थे, ग्रेप्स प्लेस्ड इन, अंगूर को रखा गया किस में, लवण के सॉल्यूशन में, और वो कैसा हो गया श्रिंक, इसका कारण बताइए, पहला ऑप्शन क्या है डिफ्यूजन, अरे पहला ऑप्शन क्या है इम्बाइबिशन, दूसरा है एक्सोस्मोसिस, दूसरा है इंडो ऑस्मोसिस, अगला है ऑस्मोसिस, और अगला है डिफ्यूजन, बताइए जल्दी से एकदम, कौन से प्रश्न इजी होगा, क्या बोल रहा है, अंगूर को रखा गया सॉल्ट के सॉल्यूशन, अरे यार बना दो मेरे डियर, सॉल्ट का सॉल्यूशन कौन है ये सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का घोल लिया, क्या ले लिया नमक का घोल, एकदम नमक का घोल बना दो, क्या आ गया ये नमक का घोल, और नमक के घोल में किसको डाल रहे हैं हम, अंगूर को, किसको डाल रहे हैं अंगूर, डालिए आप इसमें टुप्स ऐसे गिरा दो,
ये विलयन कैसा है? इससे ज्यादा नमक का घोल, तो ये कैसा है? अति प्रासरी। कैसा है? अति प्रासरी। हाँ सर, ऐसे उदाहरण लेख समझाया करो तो समझ में आते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है? हाइपरटोनिक। इसमें क्या डाल दिया आप जल्दी से बताइए? अंगूर। ये अंगूर आ गया कहाँ? पानी में। अब पानी में आया तो क्या होगा? फिजियोलॉजी होंगे, और फिजियोलॉजी होगा तो पानी उधर जाती है जिधर विलेय की मात्रा ज्यादा होते हैं, और विलेय किधर ज्यादा है? सॉल्यूशन में। तो पानी कहाँ आएगी बताओ? बाहर। और पानी बाहर आएगी कोशिका से तो कौन सी प्रासरण कहलाएगी? एक्जोऑस्मोसिस, जिसको हम बोलते हैं बाह्य प्रासरण। कौन सी प्रासरण? बाह्य प्रासरण। और बाह्य प्रासरण होने से अंगूर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं श्रिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? श्रिंक। तो कौन सा ऑप्शन सही होता? एक्जोऑस्मोसिस। कौन सा होगा बताइए? एक्जोऑस्मोसिस। समझ में आ रहे हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं? एकदम इजी इजी। एक और कराता था, लास्ट करा देता हूं, कल और कराऊंगा। एक प्रश्न करूं? अच्छा, एकदम बढ़िया करूं। एक और, चलो आ जाओ। एक सेल बनाया गया, जरा देखो तो, हेक्सागोनल, एकदम लास्ट। क्या तुम लोग फिर चले जाओगे? मुझे मन नहीं लगेगा कि किसको परेशान करूं। आइए, ये कोशिका है ए, ये कोशिका है बी, और ये कोशिका है सी। जो डायरेक्ट जवाब देगा उसको ₹50 नगद इनाम देंगे। तब नाम लिख लिख के दूंगा। पहला आपको बताना है पानी किधर से किधर जाएगा। इसका ओपी दिया हुआ है आपको 50 एटमोस्फेयर, इसका टीपी दिया हुआ है 40। ये जीआरएफ का क्वेश्चन है, आप आराम से देखें। ओपी इसका दिया हुआ है मेरे डियर 40, और टीपी दिया हुआ है 20, टीपी दिया हुआ है 20, ओपी दिया हुआ है इसका 20, और टीपी दिया हुआ है 18, टीपी दिया हुआ है 18। आपके पास ऑप्शन दे रहा हूं मैं, बताना है पानी किधर से किधर जाएगा। ए से बी की ओर जाएगा, बी से सी की ओर जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास है ए से बी की ओर जाएगा, और दूसरा है सी से बी की ओर जाएगा। सी ऑप्शन है आपका ए से बी की ओर जाएगा, और कहां? सी से बी की ओर आ जाएगा। डी नंबर है ए से बी की ओर और बी से सी की ओर। आपको बताना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर। एकदम मजेदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों करोगे ना आनंद बरसेंगे। क्या देखना है? तीन तरह की कोशिका है, पूछ रहा है पानी किधर से किधर जाएगा, तो ओपी और टीपी, तो मैंने क्या निकालना है? डीपीडी। क्या निकालना है? डीपीडी बराबर क्या होता है बताइए? ओपी माइनस टीपी। बताओ इसका मान, 50 माइनस 40 कितना मान आया? 10। सभी बच्चे निकाल तो लोगे? इसका मान 40 माइनस 20 कितना आएगा? 20। कितना आया? 20। इसका 20 माइनस 18। आप देखो, सुनो, मैंने क्या बोला, डीपीडी का मतलब होता है चूसन दाब। एक दाब है 2, एक दाब है 20, एक दाब है 18। तो चूसन दाब एक 20 है, तो तेजी से कौन खींचेगा? 20। यानी पानी किसको चाहिए बताइए? इसको। ये बहुत प्यासा बोल, अब पानी दे दे, पानी दे दे भाई। डीपीडी क्या है? ज्यादा। बताइए ये सेल बी और सी में ज्यादा कौन खींच लेगा पानी? सी से खींच लिया कौन? बी। हाँ या ना? अरे इतना समझाओ मुझे, बी और सी की कंपेयर होता, गुरुजी डीपीडी इसका ज्यादा है। डीपीडी का मतलब होता है पानी की मांग। आपने गांव की भाषा में समझाया था, क्या समझाया? पानी की गांव, पानी की गांव ने पानी की मांग, तो किसकी मांग ज्यादा होगी? बी की। अब आ जाओ बी और ए की बात करें, ए और बी की बात करें। ए और बी में बी बोला कि अरे इसका पावर कितना है? 10। 10 ताकत से खींच रहा है, ये कितना से खींच रहा है? 20 से। तो ये बोला मैं बहुत प्यासा हूं, तू भी मुझे पानी दे। तो पानी, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा है? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लड़का डर जाता है, इतना बड़ा लिखा रहेगा ना
तुम छोड़ दोगे, आह ये मम्मी ये सब ने कहा। एकदम इजी इजी प्रश्न है। आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा कि लगेगा नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूं। लास्ट एक और कर लूं, कर सूर्य की किरणें देखो, जैसे ये ढक लूंगा मैं, अब सही हो रहे हैं, आ रही है ना। ये छोटी सी परख नली को आप बंद करें, कोई नहीं। चलो एक और कर लें, चलो एक और कर दो। एकदम अच्छा प्रश्न है, एकदम बढ़िया है, ये समझ गया, लिख भी लिया होगा सब। अरे नहीं भी लिखते हो तो क्या तुम, मैं मानता हूं कि आप हमसे कई गुना ज्यादा तेज हैं। आप एक बार देख लिया आजीवन के लिए भूलोगे नहीं। देखो क्या प्रश्न है, जेआरएफ का क्वेश्चन हमारे टाइम का बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको बताऊं आईबीपीएस जेआरएफ में पूछा हुआ है, व्हेन वाटर इंटर इंटू दिस सेल। लिख देता हूं, आज सर हिंदी में नहीं लिखोगे, अरे अंग्रेज बनाऊंगा तुझे अंग्रेज। क्या बनाऊंगा, क्या है, व्हेन वाटर, व्हेन वाटर इंटर इंटू द सेल, इंटू द सेल किसमें इंटर कर रहा है बताओ अपने दिमाग से, पानी कहाँ इंटर कर रहा है। अरे सर ऐसे कहो ना कि पानी इंटर हो रही है किसी कोशिका में, कहाँ जा रही है, किसी कोशिका में। व्हेन वाटर इंटर इंटू दी सेल, व्हाट हैपेंड टू दी माने क्या होगा, यानी ओपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, टीपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा और डीपीडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी जल्दी बताइए मेरे डियर, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। लिख रहा है पहला ऑप्शन, एकदम करने वाले, ओपी एंड टीपी इंक्रीज होगा और डीपीडी भी इंक्रीज होगा, डीपीडी भी इंक्रीज होगा। सेकेंड ऑप्शन, ओपी एंड डीपीडी इंक्रीज होगा और टीपी जो है ना ये डिक्रीज होगा। सी बताइए, टीपी एंड डीपीडी इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज होगा और ओपी इंक्रीज होगा, ओपी इंक्रीज होगा। डी नंबर, ओपी एंड डीपीडी डिक्रीज होगा और टीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, क्या हो रहा है बताओ, किसी सेल में क्या इंटर हो रहा है, क्या इंटर हो रहा है, समझे आप, पानी इंटर हो रहा है। जैसे पानी इंटर हुआ सबसे पहले ओपी, ओपी पानी अंदर गया, इसका मतलब विलय जो पहले था अब विलय ज्यादा या कम सापेक्ष में। अरे मेरे अंदर 3 गिलास पानी डाल दो, तो पहले जो विलय था उसकी कंसंट्रेशन देखना, आप कंसंट्रेशन नहीं समझ रहे हो, कंसंट्रेशन सांद्रता। मान लिया जाए मेरे पेट में 1 लीटर पानी था और 1 लीटर में जो नमक थी वो कितना ग्राम था, 50 ग्राम, पानी कितना था अंदर, 1 लीटर। तो अब मैं इसमें 2 लीटर पानी और डाल दिया, पानी कितना हो गए, 3 लीटर पानी गया। नमक अभी भी कितना है बताइए, 50 ग्राम। तो कंसंट्रेशन क्या होता है मेरे डियर, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। 1 लीटर में 50 ग्राम है और 3 लीटर में 50 ग्राम है, तो बताइए 1 लीटर में अब कितना नमक बचा, 3 से भाग दोगे तो केवल कितना ग्राम बचा, 16। तो बताइए इसका ओपी का मान ज्यादा हुआ या कम, कम। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगी इसकी, कम। अरे विलय अब क्या है, कम है ना, नहीं समझ रहे हो। सांद्रता का मतलब देखो, 1 गिलास में 50 ग्राम नमक था, सुनना ध्यान से, एक बोतल है आप ध्यान से समझो, 1 लीटर का बोतल है, इसमें 50 ग्राम नमक है, तो अभी जो सांद्रता कितना है, 1 लीटर में कितना है, 50 ग्राम। इस सांद्रता कहते हैं, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। अब इस डिब्बे में 2 लीटर पानी और डाल दूं, कभी आपने शरबत को देखा होगा थोड़ा पानी मिला लेते हैं, गांव में ज्यादा आदमी बढ़ गया, आए आदमी 10 और आ गया, लाओ लाओ 2 बाल्टी पानी लाओ, पानी डाल दिया ना, तो शरबत की मीठापन क्या हो जाएगी, कम। कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम। कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम।
अब कंसंट्रेशन उसकी सांद्रता क्या हो गई, कम, और यही सांद्रता क्या कहलाता है बताइए, ओपी, क्या कहलाता है। जब पानी मिलाओगे तो ओपी का मान क्या हो जाएगा, कम। पानी मिलाएंगे तो ओपी का मान क्या होगा मेरे डियर, कम। अच्छा बताइए डीपीडी क्या है, डीपीडी है पानी की मांग। अब बताओ पहले हरिराम को चाहिए 2 गिलास पानी, उसमें 1.5 गिलास मैं पी लिया तो पानी और ज्यादा दोगे या कम, अरे 3-4 बोतल मैंने पानी पी गया सोचो, अब तो अब मुझे पानी की मांग ज्यादा होगी या कमेगी धीरे धीरे, क्या बताऊं ये सब कोई कहानी है रे। डीपीडी का मान क्या होगा आप धीरे धीरे बताइए, डीपीडी कमेगा। जब किसी सेल में पानी अंदर जाएगी तो पानी की मांग क्या होगी, बढ़ेगा या कमेगा, कमेगा। लेकिन इसकी फूलने की दर, टर्गर प्रेशर, फुलाने वाला दाब, पेट तो धीरे धीरे देखो 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 फूलता जाएगा, यानी टर्गर प्रेशर क्या होगा, कितनी बढ़िया प्रश्न है। ये सब प्रश्न आएंगे ना बाद में बैंकों की तैयारी करोगे ना, जीआरएफ वीआरएफ ऐसे, और पागल तुम्हारे एग्जाम की औकात क्या है, ये सब तो पूछे ही नहीं, तो बढ़िया से एकदम याद रखेंगे। जब किसी कोशिका में क्या जाएगा, पानी अंदर जाएगी तो उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी की मान क्या होती है, कम, और टर्गर प्रेशर क्या होगा, चले आगे, बाकी की हम कहानी करेंगे कब, कल, ठीक है।